friend Nana Nani Foundation and Mr. Rajesh Srivastava from Films Today to honor the people who have achieved their dreams in their own respective fields. And I'm so glad to be a part of this event, and I'm going to be performing on some of my favorite Bollywood numbers. Yeah. That's all. Thank you. Organization Nana Nani Foundation for their great social work. And since my arrival, I am somehow familiar with one of the main director of Nana Nani, Mr. Mini Titiana. And also I know about Mr. Shamsinghania, who is the pioneer in the social work for the elderly people. And I deeply appreciate the sentiment they carried such great minds, and great minds always have great ideas. So I admired their initiative, and here I definitely congratulate all the winners of Dream Achievers Award from the core of my heart. And I love to be here and to be happy, and thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for Shri Haresh Mehta ji. और आजकल क्या चल रहा है? आजकल की मेरा स्वागत है श्रीमती इति पांडे, मिस्टर विवेक प्रकाश एंड से कितना आगे बढ़ने का चांस मिलते हैं या रिवार्ड में क्या कहना चाहिए? जिसकी कोई फीलिंग जो होती है ना, ये फीलिंग कोई समझ नहीं सकता है. जिसके ऊपर जिसको अवार्ड मिलता है श्रीमती इति पांडे, वही समझ सकते हैं क्योंकि अवार्ड इज अ वेरी नागिन को जिस तरह का प्यार मिल रहा है उससे कितने खुश हैं आप, और आपके किरदार को लेके क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? जी मेरे नागिन तो आपको पता ही है, तो मेरे कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है क्योंकि मैं इसमें काफ़ी डिफरेंट प्ले कर रहा हूँ पहले से. बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, काफ़ी लोग हैं. फरवरी का महीना लव रोमांस का मंथ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने और जी शरण झा जी नाम के साथ एक बार सुनने में संजीव गुप्ता जी परफॉर्म तो नहीं किया वैसे, बट ड्रीम अचीवर्स अवार्ड एक बहुत अच्छा मुझे इनफैक्ट ये जो पूरा किया है, जो अरेंजमेंट वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे. द स्टेज इज़ लुकिंग रियली नाइस, और जो सब लोग आए हैं इतने उत्साह से इंक्लूडिंग मी, बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे देख के. एंड द परफॉर्मेंस इज़ ऑल्सो बहुत अच्छा लगा. अभी अभी मेरी एक फ्रेंड है लीज़ा, उन्होंने परफॉर्म किया, उसके पहले स्नेहा वॉज सिंगिंग. सो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का कार्यक्रम होता है और सब इकट्ठे हो जाते हैं. राइट, ऑल्सो सारे फील्ड के लोगों को यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया है, फ्रॉम मतलब बाहर की वुमेंस को और बॉलीवुड के लोगों को भी फेलिसिटेट किया गया. तो ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है उसके बारे में? तो ये जो फेलिसिटेशन किया जाता है, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक आर्टिस्ट के लिए जब उसके काम को सराहना मिलती है तो बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है कि नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करें हम लोग, अपना दिल से मेहनत करके और भी अच्छे से यू नो हमारा जो भी आर्ट है उसको प्रेजेंट करें. सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है फिल्म्स टुडे का. तो जो है एसोसिएशन हमारा पुराना ही है, पिछले साल भी जब ये अवार्ड्स हुए थे तो भी मैं आई थी. मुझे बहुत बहुत खुशी होती है जब भी इस तरह का ये अरेंजमेंट करते हैं, एंड भगवान करे कि ये नेक्स्ट टाइम और भी बड़ा और अच्छा लेवल पे हो. और अभी जो हो रहा है वो तो कमाल ही है, बहुत ही बढ़िया है. एंड ऑल माय बेस्ट विशेस. आल्सो कितनी खुशी होती है जब गुरु के सामने उसके शिष्य परफॉर्म करते हैं, स्नेहा ने परफॉर्म किया, राइट? व्हाट डू वांट टू से अबाउट इट, एंड क्या फीलिंग थी? अरे स्नेहा के जो गुरुजी है ना, वो तो
उसके साथ है, उनके उसके पिताजी हैं ना, वो उसके सबसे बड़े गुरुजी हैं. इनफैक्ट हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है उनके म्यूज़िक से, जो भी वो उन्होंने आज तक किया है अपने करियर में. और वो यू नो उनके साथ मैं, उन्होंने इनफैक्ट रामशंकर जी की बात कर रही हूँ मैं, उन्होंने मुझे भी जज किया हुआ है सारेगामा पा में. सो दे आर द होल फैमिली इज़ वेरी यू नो ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टफुल मेरी नज़र में. सो स्नेहा तो मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट है. एंड जिस तरह से आपने मुझे बोला, तो हमारा जो शो था सुपरस्टार सिंगर, उसकी तो सुपरस्टार थी ही, और सिंगिंग का कल जो कि फ्यूचर आने वाला, वो आप देख सकते हैं कि वही है. सो शी इज रियली डूइंग वेरी वेल. ऑल माय बेस्ट विशेस टू हर. सो ये जो ईयर शुरू हुआ है 2020, बहुत बहुत अच्छा शुरू हुआ है. सबकी दुआओं से बहुत बैंग के साथ आए हैं. मेरे दो गाने रिलीज हो चुके हैं अभी इसी मंथ में. एक तो जवानी जाने मन में गाना आया है, गल्ला कर दी विद जैज़ी बी पाजी. सो आई थिंक बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए इतना बड़ा गाना आना एंड इतने अच्छे बैनर के साथ में. और फिर उसके बाद मेरा एक सिंगल रिलीज हुआ है मीत ब्रोस के साथ में अभी भी, एक डायमंड द हार, विच इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. सो आप इतना सारा प्यार दे रहे हो, इसी तरह से प्यार देते रहिए. और भी नेक्स्ट मंथ मुझे लगता है मीत ब्रोस के साथ में एक और गाना एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं. एंड उर्वशी राउतेला, जो कि मेरी इस वाले सॉन्ग में भी वीडियो में वही है, उनकी एक फिल्म आएगी, उसमें मैंने कुछ गाने गाए हैं. सो ये सब प्रोजेक्ट लाइंड अप है सबके लिए. सो प्लीज स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. If you can sing two line of your Jawani Jawani. Sure. Jawani Jawani. Sure. Mujh pe nazar na tikana, qatl meri aankh da nishana. Let me love you, let me love you. Har munda pyar mainu karda, dhoonde milne ka bahana. Let me love you, let me love you. Jin tera dil lutya, oh ho, jin tenu maar sutya. हो जिन्हें तेरा दिल लुटिया, लक पतला बलोरी ओद नैन नैन, गली सुन के लारे ओद लैन लैन, गल्ला कर दी शायद तू मिटिया, जिन्हें तेरा दिल लुटिया. ये थैंक यू सो मच.
बड़ा खूबसूरत अवार्ड फंक्शन था ये, मेरी बेस्ट विशेज इनके साथ था और ऐसे ही कामयाबी हासिल करते रहे ये, एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। अचीवर्स को बुला बुला के उन्होंने सबको ऑनर किया है, इट्स अ ग्रेट फीलिंग, दे आर द पीपल हु हैव रियली अचीव्ड समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। थैंक यू सो मच, लाइफटाइम अचीवमेंट। थैंक यू, लाइफटाइम अचीवमेंट। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। थैंक यू। नाना नानी फाउंड तो फाउंडेशन तो हमारी पुरानी संस्था है जो हम नाना नानी पार्क मुंबई में बनाते थे। बाला साहेब जी ने और प्रमोद नवलकर जी ने मुझे प्रोत्साहित करा था कि ऐसा एक एनजीओ चलाया जाए, और सबसे पहला नाना नानी पार्क हमने चौपाटी में बनाया था सन 1998 में। और तो ये फाउंडेशन के बारे में बताइए, फाउंडेशन क्या क्या काम कर रही है? तो नाना नानी फाउंडेशन प्राइमरली सीनियर सिटीजन कॉज पे काम करती थी, उनके हेल्थ केयर के लिए काम करती थी, और उनके चेहरे पे स्माइल कैसे आए वो हमारा मेन उद्देश्य था। लेकिन 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का पॉलिसी चेंज हुआ कि भाई लैंड अडॉप्शन पॉलिसी, गार्डन अडॉप्शन पॉलिसी चेंज हुई, तो हमने जो भी गार्डन्स बनाए थे उनने वापस ले लिया था। तो हम तब से सोच रहे थे कि और क्या करा जाए, क्योंकि एनजीओ तो है और काम तो कर रहे हैं, तो हम हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्वच्छ भारत, ये सब प्रक्रियाओं में हम जुड़ गए हैं और उसको हम आगे भी ले जा रहे हैं। और ड्रीम अचीवर्स अवार्ड का मतलब यही था कि भी नाना नानी को थोड़ा अवेयर कैसे करा जाए, तो हमने एफटी फिल्म्स टुडे के साथ जुड़ के, जिसमें मैं अब जुड़ गया हूँ, एफटी से भी जुड़ गया हूँ मैं, तो हम सोचे कि ड्रीम अचीवर्स अवार्ड करके उनको प्रोत्साहन दें जिन्हें अवार्ड के काबिल हैं, और एक अवेयरनेस क्रिएट करके, सोशल कॉज एंड अवेयरनेस कॉज के हिसाब से हम इसको टेक फॉरवर्ड कर रहे हैं। थैंक यू। एंड द वे इज ब्रॉट अप द शो इज फैंटास्टिक। आई रियली अप्लॉड ऑल इज एफर्ट्स और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो इससे बेहतर करेंगे। यार सपना कौन नहीं देखता है, हम सब सपने देखते हैं, लेकिन आप सपनों को साकार कर सको इतनी क्षमता आप में होनी चाहिए। सपना एक ऐसी चीज़ है जो अगर कोई ना देखे तो ज़िंदगी में शायद वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। इट्स ऑल अबाउट द ड्रीम्स विच वन हैज़ टू रियली ड्रीम एंड टेक इट फॉरवर्ड। हर कोई अपने आप सक्षम है, हर कोई चीज़ अंजाम देने की पूरी कोशिश करता है। आई रियली विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई लुक फॉरवर्ड दे डू वंडर्स इन लाइफ। आज का जो ये फंक्शन है बहुत ही खूबसूरत फंक्शन है, और इसमें एज अ गेस्ट सिंगर मैं और मेरी बेटी स्नेहा शंकर आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिल्म्स टुडे और नाना नानी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित है ये कार्यक्रम जो ड्रीम अचीवर्स अवार्ड। फिल्म्स टुडे के श्री राजेश श्रीवास्तव जी बहुत ही मेहनती और बहुत ही बड़े अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने बड़ी मेहनत से ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। राजेश श्रीवास्तव जी को मैं शुभकामना दूंगा। और आज के मुख्य अतिथि हमारे महामहिम गवर्नर साहब भगत सिंह जी कोश्यारी जी थे आज के मुख्य अतिथि, तो उनके समक्ष गा के और स्नेहा को भी गवा के बहुत अच्छा लगा। सर इसके अलावा यहाँ पे जिन लोगों को फेलिसिटेट किया गया है वो अलग अलग फील्ड से हैं। जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही खुशी की बात है कि अलग अलग फील्ड के लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया उनके काम के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ये बहुत ही अच्छा एक कदम है राजेश श्रीवास्तव जी का, फिल्म स्टूडियो का एक बहुत अच्छा कदम है, और बहुत ही मज़ा आया इस कार्यक्रम में मुझे आके और गा के। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फरवरी का महीना है, लव रोमांस का महीना कहा जाता है, गाने डेडिकेट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सब आपने सही कहा, मेरे मैक्सिमम जो गाने हैं वो प्यार मोहब्बत के ऊपर ही है जो भी मेरे आए थे, तो
ये फरवरी का महीना मोहब्बत और लव का जो है, प्यार वालों का ये महीना है, तो एक छोटा सा मुखड़ा गा दूं क्या? मुझे मेरे यार का दीदार चाहिए, मुझे मेरे यार का दीदार चाहिए, जमाने की दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरे यार का दीदार चाहिए। तो यार का दीदार मिल जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, नया साल बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू। अच्छा, मैं रामशंकर, गायक संगीतकार, और मैं आप सबको वैलेंटाइन डे के ऊपर बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। सभी मोहब्बत करने वालों को, प्यार करने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। जैसे कलाम साहब कह के गए थे कि सपना जाग के देखना चाहिए, सो के नहीं, तो ये तो ड्रीम अचीवर अवार्ड है, और ये अवार्ड पाने के बाद और सपना देखेंगे लोग, सपना देखना शुरू करेंगे, क्योंकि अवार्ड एक जिम्मेदारी होती है, कुछ करने की जिम्मेदारी। अवार्ड खाली पाने की नहीं और खाली टंगा के रखने के लिए ही, सजा के रखने की नहीं। तो मैं समझती हूँ ये अवार्ड पाने के बाद जो नाना नानी फाउंडेशन एंड फिल्म टुडे ऑर्गेनाइज करके सबको और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को दे रहे हैं, ऐसे भी वो बहुत कामयाब हैं जिनको जिनको मिला है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सपने की कोई अंत नहीं है, और ये ख़ास अवार्ड है जो कि सपना देखने के लिए है, और भी सपना देखेंगे और भी ऊंचाइयों में जाएंगे, ये मैं आशा करती हूँ। फरवरी का मंथ है, लव रोमांस का महीना है, सबसे पहले वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं कल की बात करूंगी, कल बसंत पंचमी है, ठीक है, कल सरस्वती पूजा है, आपको पालू भाई की नहीं कि माँ सरस्वती सिर्फ ज्ञान की देवी नहीं है, वो प्यार की देवी है, वो शुक्र की देवी है, इसलिए शुक्रवार को माँ को पूजी जाती है, और जब बसंत पंचमी आता है बाद में वैलेंटाइन डे आता है, तो आप देखिएगा कि लोगों के मन में जो हवा, बसंत की जो हवा है, वो प्यार जैसे बिखरती है, माँ वो प्यार लेके आती है, उसके बाद जब वैलेंटाइन डे मनाए जाते हैं तब वो वो चरम पे रहता है। मैं यही कहूँगी कि प्यार के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है, आप कोई भी काम, किसी से भी कुछ काम लेना है तो प्यार से ही कर सकते हैं, तो हम प्यार बांटते रहे इस नए साल 2020 में, इतना प्यार कि सब कुछ सुंदर रहे। फरवरी का महीना लव रोमांस का महीना कहा जाता है, आपकी नज़र में क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने वही कहा ना कि माँ सरस्वती देती है प्यार, और जब इस समय राग बसंत गाई जाती है, मैं गाना गा सकती लेकिन दूसरा कुछ बज रहा है। सॉरी, मैं शोमा घोष, गायिका, वैलेंटाइन डे के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और ये कहती हूँ कि दिल में बहुत बहुत प्यार रखिए, प्यार से दुनिया को जीत लीजिए, इतना ही कहना चाहूँगी। मैं मोहब्बत हूँ हदों में, न करो कैद मुझे, रोशनी बन के फिजाओं में बिखर जाने दो, मैं मोहब्बत हूँ। थैंक यू सोमा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर एंड सीजन्स ग्रीटिंग्स, क्योंकि सीजन्स ग्रीटिंग्स तो कभी भी हम फेल्ट कि धीरज कुमार जी को भी हमें एक सम्मान देना चाहिए फ्रॉम द इंडस्ट्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, तो मैं सबसे पहले तो तहे दिल से उस बात का
ड्रीम अचीवर अवार्ड में आज मुझे आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक मैं आज यहाँ परफॉर्म करने वाली हूँ. सो आई होप कि जो भी लोग ऑडियंस में आप सभी को मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगे और बहुत खुश हों आप मुझे सुनकर. तो आपको क्या लगता है कौन है अचीवर जिसको ये मतलब सम्मान मिलना चाहिए? आई थिंक आई एम वेरी स्मॉल ये सब कहने के लिए किन को मिलना चाहिए एंड किन को नहीं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मे द बेस्ट विंस. एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अवार्ड है और मुझे स्पेशली मैं बहुत इन्जॉय करूँगी. क्योंकि आप सिंगर है, अदनान सामी को जो है पद्मश्री मिला है, व्हाट डू वांट टू से अबाउट एंड एज अ सिंगर आप क्या सोचिए? अदनान सामी अंकल ही इज़ अ वंडरफुल सिंगर, मतलब ऑफकोर्स कौन फैन नहीं है उनका, और उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, वाओ, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी. तो आई थिंक बहुत मुझे बहुत खुशी हो रही है. Any of your upcoming projects would like to say? I think I will tell my fans and everybody to stay tuned because बहुत कुछ नई नई चीज़ें are on the way और आपको जल्दी सुनाई आएगी. जाने के पहले कुछ गाना पड़ेगा. Off. Any of the songs? Okay, so Sony TV के लिए मैंने एक टाइटल ट्रैक गाया है फॉर द अपकमिंग सीरियल जो 10th फरवरी को रिलीज होने वाला है, एक दूजे के वास्ते 2. सो उसका टाइटल ट्रैक मैंने गाया, तो मैं 2 लाइन वही सुनाऊंगी. उसकी हुक लाइन बड़ी कैची है, सो आई विल सिंग द हुक लाइन. एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते. थैंक यू सो मच. लास्टली एक दूजे के वास्ते 2 कर रहे हैं, आप कैसा एक्सपीरियंस रहा? वेरी नाइस एक्सपीरियंस, मतलब रिकॉर्डिंग करते हुए एंड सडनली प्रोमो आया और मेरे को सोनी मतलब टैग कर रहा है एंड आई एम सीइंग माय प्रोमोस. और अभी टाइटल ट्रैक फुल हो चुका है पब्लिश, तो टाइटल ट्रैक पूरा रिलीज हो चुका है. तो आई वुड लाइक टू टेल ऑल माय व्यूअर्स टू गो एंड लिसन टू माय टाइटल ट्रैक और उसे बहुत प्यार दीजिए. और अभी तक मतलब कुछ ही दिन हुए रिलीज होके और अभी से ही बहुत प्यार मिल रहा है मुझे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. But the love of the people is the reason you get this. So for me, it will always remain, the biggest award for me will always remain the love of my fans and my audiences for appreciating the kind of work I do. That for me is the biggest award. And then when you get it physically, it just seals the deal. Okay, as you have told that there is lots of fans of yours and recently your debut movie have completed 20 years Corona plan. So how do you Well, I'm happy and I'm proud that you know, I've had a great 2 decades in the industry and continuing to go strong. Okay, also there's an upcoming project of yours. Would you like to say something about it? Yes. Well, I've recently turned producer with my own home production, Amisha Patel Productions. And this year we'll see the release of my debut film as a producer called Desi Magic. And I have currently 2 or 3 other films going on which have just started. So we'll speak more about it during the course of the year. Thank you and have a lovely evening everybody. Part bani thoda sa us bare mein bataiye. मैं यही कहूँगी कि कोई भी अवार्ड शो जब भी होता है तो आर्टिस्ट को एक एक्साइटमेंट रहती है कि जो भी काम किया है उसको नवाजा जाएगा तो कैसे जाएगा. आर्टिस्ट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑडियंस उसको प्यार करे और अल्टीमेटली वो प्यार दुगना हो जाता है जब उस काम की सराहना भी होती है. सो मुझे लगता है ड्रीम अचीवर्स अवार्ड नाम ही बताता है कि हर आर्टिस्ट का ड्रीम होता है कि उसको लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ अवार्ड ज़रूर मिले उसके काम के लिए और जिसकी वजह से मतलब वो काम में एक्टिव रहा है, उससे पहचान उसकी बने. सो नो डाउट ड्रीम अचीवर्स अवार्ड 2020 आई हैव बीन इनवाइटेड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड आई फील वेरी ऑनर्ड बीइंग हियर. थैंक यू. आपके अवार्ड की कोई ऐसी कोई मेमोरी है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे, जो फर्स्ट अवार्ड काफ़ी स्पेशल होगा आई एम श्योर आपके लिए, तो अगर ऐसा कोई मेमोरी अगर आप मेरी, मेरी सबसे पहली फिल्म रही है बैरी पिया. कहीं ना कहीं एक सरस्वती चंद्र मूवी जो आई थी बच्चे की उसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड रही है और बहुत खुशी हुई कि उस फिल्म को लाइक किया गया था. मैं फर्स्ट अवार्ड और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको अवार्ड दिया गया. उसके अलावा कि उसके बाद में जो अवार्ड का सिलसिला शुरू हुआ मेरी लाइफ में, मेरे लिए वो ऑलवेज प्रोत्साहन देने गया. तो कई सारी
मैं श्रीवास्तव साहब को राजेश श्रीवास्तव साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि वो लिम्स अचीवमेंट अवार्ड कर रहे हैं और वैसे भी फिल्म स्टूडे के कई अवार्ड हो चुके हैं बट ये एक अलग ही इसकी कुछ वैल्यू होती है और इसमें बड़े बड़े स्टार भी हैं बड़े बड़े हम सबसे बड़ी बात तो इसमें राज्यपाल साहब भी आए हमारे तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है आज इस अवार्ड की सबसे बड़ी खासियत यही हो जाती है स्टार तो आएंगी क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी जो चीज़ है उसमें स्टार आते हैं बट राज्यपाल साहब भी इसमें आए तो ये सोने में सुहागा हो गया और मेरे जैसे छोटे से कलाकार को भी इसमें याद किया बड़ी बात है और मुझे भी गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया और मुझे भी अवार्ड मिल रहा है तो ये सोने में सुहागा ये भी हो जाता है तो मैं राजेश श्रीवास्तव को इतना ही कहूँगा कि गली गली में चर्चा आम हो आपका गली गली में चर्चा आम हो आपका पलक के चांद से ऊंचा मकाम हो आपका राजेश श्रीवास्तव परिवार है प्यारा क्या आसमान की बुलंदी में आपको थैंक यू सो मच देखिए वाकई सम्मान तो एक सम्मान होता है चाहे वो कितना ही बड़ा अवार्ड हो या कुछ हो ड्रीम अचीवर अवार्ड इसमें जो जितने भी हैं तो मतलब सारे जिन्होंने काफ़ी अपनी लाइफ में अचीव किया है वो सब हैं मुझे मौका मिला है कि मैं हालांकि मुझे लगता है कि सबसे कम अचीव मैंने किया है जितने सारे हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है अच्छा लग रहा है और ये है कि ये इस तरह के अवार्ड होते हैं तो जो एक करने की आपकी उत्साह होता है वो ज़्यादा बढ़ता है जैसे कुछ आप करना चाह रहे हैं सोसाइटी के लिए या किसी फील्ड में करना चाह रहे हैं तो ऐसे अवार्ड ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि इंसान और दोगुने उत्साह से काम करे ज़्यादा काम करे थैंक यू नमस्ते सर बिग बॉस भी चल रहा है तो कितना फॉलो कर पा रहे हैं वैसे आज तक यकीन करेंगे मैंने कभी बिग बॉस देखा ही नहीं है मैं बिग बॉस शो में जरूर गया फाइनली शो का मगर मैंने अपना सीजन नहीं देखा क्योंकि टाइम नहीं लगता और था रीजन था उस कारण मैं चला गया शो में शो ने मुझे फ़ायदा दिया अच्छा दिया फेम दिया बाकी शो भी किए अच्छा इस साल का सबसे नंबर वन शो है तो उसको लेके आप सीजन का हिस्सा रहे लेकिन इस साल का जिस सीजन में हम थे ना उस सीजन को अवार्ड मिला सीजन 7 में दशा जिसका सबसे बेस्ट था तो अब मैं देख रहा हूँ कि हर साल सीजन कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनके फ़ोन आते मुझे कई बार मेकर्स के कि भैया वो ट्वीट कर दो या वीकेंड पे आ जाओ तो थोड़ा सा बिजी हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि एक यार मैं सोचना करना थोड़ा डिफरेंट है बिग बॉस थोड़ा डिफरेंट है जैसे मैं अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें करता हूँ अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए कंट्री के लिए मालिक की तरह से कोशिश कर रहा हूँ ढेर सारे बच्चों का जरिया बनना मोटिवेट करना वो डिफरेंट है बाकी मुझे मौका मिला है बिल्कुल का फॉलो करूँगा एक ट्वीट में कोई कोई मैसेज देना चाहेंगे जो अंदर जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए मैं सबको यही कहना चाहूँगा भैया देखो कि क्या है कि ज़िंदगी भी बिग बॉस की तरह बड़े बाहर है वहाँ पे प्यार से रहो प्रेम से रहो आराम से रहो और जितना आप प्यार से रहोगे ना पब्लिक उससे ज़्यादा पसंद करेगी और याद रखो जीतने वाला लाइफ में कुछ नहीं करता तो इसलिए खुश रहो हाँ सर वैलेंटाइन डे आ रहा है विश करना चाहेंगे आप जी मैं वैलेंटाइन डे नाम के साथ यही दर्शन है मैं विश करना चाहूँगा मेरे मदर फादर को कि भैया सबसे पहला प्यार वही है उसको उसकी इज्जत करो उनके पैर छुओ और सभी को ढेर सारी वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं सर फरवरी का महीना लव रोमांस का महीना कहा जाता है आपकी नज़र में क्या सर आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए अरे सर आप साइड देखिए फरवरी का महीना है वैलेंटाइन डे है वैलेंटाइन डे स्टार्ट किया था अच्छा भैया मेरा वैलेंटाइन ऑलरेडी है तो मैं पायल को विश करूँगा पूरी सब विश करूँगा कि प्रेम प्यार की डिजायर से मनाएं और भैया देश में ना बहुत सब प्यार से रहें प्यार से रहें चल रहा है या नाटक चल रहा है ये हमारे सबके फायदे के लिए समझो देश में एकता